हाय गाइज़ कैसे हैं आप सब दोस्तों आज की वीडियो हम डायनामिक राउटिंग के बारे में जानेंगे डायनामिक राउटिंग क्या होती है कितने टाइप की होती है इसके क्या क्या बेनिफिट है क्योंकि आज के टाइम में डायनामिक राउटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डायनामिक राउटिंग एक्चुअली होती क्या है दोस्तों ये एक ऐसी टेक्निक है इन बिच ए राउटर लर्न अबाउट राउटिंग इन्फॉर्मेशन विदाउट एन एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प यानी कि बिना एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से राउटर लर्न करता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन को एंड एट द बेस्ट राउट इट्स राउटिंग टेबल यानी कि बेस्ट रूट को राउटिंग टेबल में ऐड करता चला जाता है ए राउटर रनिंग ए डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऐड द बेस्ट रूट टू इट्स रनिंग टेबल एंड कैन आल्सो डिटरमाइन अनदर पाथ इफ प्राइमरी राउटिंग गोज डाउन यानी कि कोई भी राउटर आपका डाउन हो जाता है प्राइमरी राउट तो ये एक दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए यानी कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक तो पहुंचाने के लिए डायनामिक राउटिंग एक नहीं दो नहीं बहुत सारे रास्ते बना लेता है अगर आपका एक नेटवर्क स्लो डाउन हो जाता है तो वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है तो दोस्तों डायनामिक राउटिंग के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं तो देर इज़ नो नीड टू नो द डेस्टिनेशन एड्रेस डेस्टिनेशन एड्रेस की कोई जरूरत नहीं पड़ती है डायनेमिक रोटिंग करने के लिए नीड टू एडवर्टाइज द डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स अपडेट द टोपोलॉजी चेंज डायनेमिकली इसमें जो भी चेंजेस होते हैं वो डायनेमिकली अपडेट होते रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है कम हो जाता है इसमें और यूज फॉर लार ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें इसका यूज किया जाता है अब कुछ टाइप्स हैं इसके डायनेमिक राउटिंग के उसके बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों इसमें सबसे पहला टाइप है हमारा डिस्टेंस वैक्टर प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट प्रोटोकॉल एंड हाइब्रिड प्रोटोकॉल अगर हम डिस्टेंस वैक्टर प्रोटोकॉल की बात करें तो ये वर्क विद वेलमन फोर्ट अल्गोरीथम ये वेलमन फोर्ट अलगोरिथम के ऊपर काम करता है इसमें प्रोडिक अपडेट्स होते हैं क्लास फोर राउटिंग प्रोटोकॉल होता है फुल राउटिंग टेबल को ये एक्सचेंज करता है अपडेट आर थ्रू ब्रॉडकास्ट ये ब्रॉडकास्ट की मदद से ये अपडेट करते हैं इसका राउटिंग बाय रोमन के नाम से भी जाना जाता है इसमें आर आई पी और आई जी आर पी प्रोटोकॉल आते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर अगर हम लिंक स्टेट प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो दोस्तों ये वर्क विद द डिस्कास्ट्रा अल्गोरिथम के ऊपर काम करता है इसमें लिंक स्टेट अपडेट्स होते हैं ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारा ये इसमें मिसिंग राउट जो होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं और ये अपडेट आर थ्रो मल्टीकास्ट ये मल्टीकास्ट करते हैं तब अपने आप को अपडेट करता है इसको रोटिंग बाय इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं इसके एग्जाम्पल जो हमारी ओ एस पी एफ आई एस आई एस प्रोटोकॉल होते हैं आगे चल के हम इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे और पूरी डिटेल के साथ जानेंगे ओ एस पी एफ और आई एस एस के बारे में अब बात करते हैं हाइब्रिड प्रोटोकॉल के बारे में दोस्तों ये काम करते हैं हमारा ड्यूल अल्गोरिथम के ऊपर यानी कि ये बैलमान फोर्ड अलगोरिथम के ऊपर भी काम करता है और डेस्कास्टर एल्गोरिथम के ऊपर भी काम करता है ये लिंक स्टेट अपडेट करता है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारा और ये मिसिंग राउट्स आर एक्सचेंज जो भी आपके मिसिंग राउट होते हैं उसको एक्सचेंज करता है अपडेट आर थ्रू मल्टीकास्ट और इसको राउटिंग बाय इंटेलिजेंस के नाम से जानते रहते हैं जैसे लिंक स्टेट प्रोटोकॉल है हमारा वैसे ही और इसकी जो एग्जांपल है हमारा ई आई जी आर पी प्रोटोकॉल होता है दोस्तों अब थोड़ी सी नॉलेज हम ले लेते हैं डायनामिक रोटिंग के एक प्रोटोकॉल यानी कि रिप के बारे में यानी कि रोटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल के बारे में ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हमारा जो क्लास फोर रोटिंग प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है ये अपडेट करता है ब्रॉडकास्ट करके बाई टू फाइव फाइव टू फाइव एव टू फाइव टू फाइव फाइव की मदद से और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू होती है हमारी वन ट्वेंटी होती है और मैट्रिक हॉप काउंट मैक्सिमम हॉप काउंट इसमें फिफ्टीन और मैक्सिमम राउटर सिक्सटीन यूज़ होते हैं लोड बैलेंसिंग ऑफ फोर इक्वल पार्थ्स और ये यूज़ किए जाते हैं हमारा स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है और जो रिप की दोस्तों कुछ टाइमर होते हैं जो हमारे राउटर टू राउटर यूज़ किए जाते हैं जैसे कि अपडेट करते हैं यानी कि दो राउटर आपस में कनेक्टेड है तो दोनों एक दूसरे के साथ अपडेट मैसेज करते हैं वो हमारा थर्टी सेकेंड का होता है बिटवीन कन्जीक्यूटिव अपडेट्स होते हैं और इसमें इनवैलिड टाइम होता है अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो इनवैलिड टाइमर होता है या तो ये टाइम राउट वेट टू हर अपडेट्स दूसरे राउटर से अपडेट लेने का टाइमिंग होता है द राउटर इज़ मार्क अनरीचेबल इफ देयर इज़ नो अपडेट ड्यूरिंग दिस इंटरवल तो ये हमारा इनवैलिड uh, टाइमर कहलाता है तो फ्लश टाइम हमारा टू फोर्टी सेकेंड का होता है ये वो टाइमर होता है टाइमर बिफोर द इनवैलिड राउट इज प्लग फ्रॉम द राउटिंग टेबल और इसमें होल्ड ऑन टाइमर भी होता है दोस्तों वन एटी सेकेंड का तो स्पेसिफाइड द अमाउंट ऑफ टाइम फॉर विच द इंफॉर्मेशन अबाउट प्यरेस्ट राउटर आर इग्नोर्ड तो आगे चल के डिटेल के साथ इस टाइमर के बारे में जानते हैं हर राउटिंग टेबल में इसका यूज़ किया जाता है यानी कि ये थोड़ी सी एक एग्जाम्पल के लिए डायग्राम दिखाई गई है जो रिप नेटवर्क की है इसमें राउटर वन राउटर टू राउटर थ्री तीन नेटवर्क अलग, अलग अलग बने हैं जिसकी आईफिग्रेशन मेरी राउटर वन की है टू की है थ्री की है तो आगे चल के देखते हैं ये राउटिंग कैसे काम करती है कैसे इसकी जो राउटिंग टेबल बनते हैं कैसे अपडेट होते हैं उसके बारे में तो थोड़ी सी इसकी जो रिप की डिसएडवांटेज है उसके ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों ये मोर बैंडविड्थ यूटिलाइज करता है डज नॉट कंसीडर द बैंडविड्थ इसमें ओनली विद हॉप काउंट्स की मदद से ये काम करता है ये स्लो कवरेज होता है और इसमें फॉर्मेशन ऑफ रोटिंग लूप्स होती हैं देखते हैं कि अपडेट टाइमर कैसे काम करते हैं तो यहाँ पे तीन नेटवर्क बने हुए हैं यहाँ पे कैसे राउटिंग टेबल अपडेट होता है कैसे टाइमर काम करते हैं वो जानते हैं राउटर वन राउटर टू राउटर थ्री तो यहाँ की इसके जो टेबल हैं जैसे राउटर वन का राउटिंग टेबल राउटर टू और राउटर थ्री कुछ यहाँ पर बता दिया है अब यहाँ से राउटर वन का जो मेरा नेटवर्क है उस पर मेरे ये वाला नेटवर्क जो हमारा लैन अपना इंटरनल और ये बाहर का जो वैन के साथ जुड़ा हुआ है उसका इंफॉर्मेशन ठीक है सीरियल पोर्ट मेरा यहाँ पे आ गया और ये इसी तरीके से यहाँ से दो हमारे आउट कनेक्शन हैं ये एस जीरो और एस वन इसके आईपी आ गए और साथ में इसका इंटरनल इसी तरीके से आर थ्री का भी ठीक है तो ऐसे ही जब हमारा राउटर वन राउटर टू को कोई मैसेज सेंड करता है हेलो मैसेज तो ये थर्टी सेकेंड का है तो ये मैसेज राउटर टू को भेजेगा राउटर टू के साथ ये मैसेज जाएगा टाइमर मैसेज तो राउटर टू जो है आगे रिप्लाई करेगा राउटर वन को तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा कि मेरे साथ राउटर वन कनेक्टेड है वो अपनी इस राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा इसकी इन्फॉमेशन को ठीक है तो यहाँ से भी एक हेलो मैसेज जनरेट होगा और राउटर थ्री राउटर वन के पास जाएगा राउटर थ्री के पास चला गया तो रोटर थ्री ने भी इसकी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर लिया अपने टेबल पे ठीक है कि मेरे पास ये वाला नेटवर्क कनेक्टेड है और यहाँ से कोई मैसेज आएगा रोटर टू के पास तो रोटर टू ने इस नेटवर्क की इन्फॉर्मेशन और अपने की इन्फॉर्मेशन इसके पास दे दी आर वन के पास तो आर ने उस नेटवर्क को यहाँ पर अपने टेबल पर ऐड कर लिया इस तरीके से यहाँ से देखिए हेलो मैसेज आया थर्टी सेकेंड के बाद वो रोटर टू के पास आया उसकी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ऐड कर दिया और इसी तरीके से इसने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भेजी और यहाँ पे उसको ऐड कर देगा तो ये ऐड होता रहता है ये यह यहाँ पे रोटिंग में टाइमर का काम होता है अब मान लीजिए इनवैलिड टाइम कैसे काम करता है ये हमारा आर वन आर टू आर थ्री तीन नेटवर्क है और बीच से ये नेटवर्क हमारा बंद हो जाता है तो रोटर वन से कोई मैसेज आएगा इन वैलेड टाइम तो थर्टी सेकेंड के बाद अगर कोई मैसेज नहीं पहुँचता आटो के पास तो उसको होल्ड पर रख देता है ठीक है तो ये यह यहाँ पर देखिए ये नेटवर्क होल्ड पर रह गया आगे वन ट्वेंटी सेकेंड और एटी सेकेंड एट्टी सेकेंड के बाद ये मैसेज फिर से सेंड करेगा आटो भी हमारा वही काम करेगा थर्टी सेकेंड के बाद कोई रिप्लाई नहीं आया तो उस नेटवर्क को होल्ड ऑन कर देगा जैसे यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा तो अब वन एटी का वेट करेगा ठीक है इनवैलिड टाइम का तो यहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो उसको फिर से इनवैलिड ही रखेगा अनरीचल आएगा आपका नेटवर्क ठीक है तो आगे के नेटवर्क अगर बात करें दोस्तों कैसे आगे ये काम करता तो ये तीन राउटर फिर से ये कनेक्टेड नहीं हो रहा तो इनवैलिड टाइमर फिर से काम कैसे करता है कैसे रिपेयर करता है तीस सेकंड के बाद जो है थर्टी सेकेंड के बाद ये रिप्लाई नहीं आया तो ये आगे काउंट करता रहता है ठीक है तो 180 के बाद और यहाँ पे सेकंड रोटर पे भी ये ऑन पे रहेगा और ये अगर रिप्लाई आ जाता है मान लीजिए इस पीरियड पे कोई रिप्लाई आ जाता है तो उसको वापस अपने टेबल में ऐड कर लेता है और रिप्लाई यहाँ पे देता है और यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन फिर से एडिट हो जाती है ठीक है अब फ्लश टाइमर क्या होता है दोस्तों फ्लश टाइम जैसे रिप्लाई नहीं आता है तो उस टेबल से उसकी इन्फॉर्मेशन को हटा देता है जैसे राउटर वन राउटर टू राउटर थ्री ये टेबल बने हैं इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है राउटर के अंदर राउटिंग की अगर ये नेटवर्क हमारा स्लो डाउन हो जाता है या जा बंद हो जाता है डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ से टाइमर जनरेट होता है राउटर टू के पास तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तीस सेकेंड तक तो उसको यहाँ पर होल्ड ऑन कर दिया वन एट्टी पे अगर उसके बाद भी रिप्लाई नहीं आता है तो टू फोर्टी सेकेंड के बाद उसको जो है फ्लश कर देता है ये तो यहाँ से उसको हटा देता है तो ये फ्लश टाइमर का काम होता है तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी डायनामिक राउटिंग के बारे में जो मैंने आपके साथ यहाँ पे बताया है उसमें कि ये राउटिंग क्या होती है कितने टाइप की होती हैं कैसे हमारे टेबल बनते हैं कैसे उसमें जो है टाइमर काम करते हैं कैसे इसमें जो है डायनामिकली अपडेट होते हैं हमारे राउटर की जो राउटिंग टेबल है आगे चल के इसके बारे में और जानेंगे तो इस वीडियो से आपको कुछ जरूर सीखने को मिला होगा वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक अपना ध्यान रखें थैंक्स फॉर वॉचिंग